दोस्तों, मेरे पिछले काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि किसी इंडियन ब्रांड के ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स के ऊपर एक अच्छा वीडियो बनाया जाए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज जेब साउंड बॉम, जो कि ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से आता है, जिनको नहीं पता है ज़ेब्रोनिक्स इंडियन कंपनी है, इसके अपने ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स आ रहे हैं और बहुत डिसेंट साउंड क्वालिटी आपको देते हैं जितना पैसा ये आपसे चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, फटाफट से इस वीडियो में जानते हैं डिटेल के अंदर क्या है इसके अंदर माल मसाला, क्या क्या चीज़ें हैं, कितने तक मिलेगी और लास्ट में माय ब्लाइंड एडवाइस। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वीर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस फ्रेश कमाल एपिसोड के अंदर। आप देख रहे हैं टेक्निकल गॉसिप। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब से बॉयकॉट चाइनीज वाला फंडा स्टार्ट हुआ है, तब से मतलब मार्केट के अंदर इंडियन ब्रांड्स को लोग बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी पर्सनली बॉयकॉट चाइनीज वाले कैंपेन को सपोर्ट करता हूँ। रीज़न बीइंग कि यार, अभी मैं मानता हूँ कि हम प्रिपेयर्ड नहीं है कि सारी चीज़ें हम अपनी खेती अपने ही यहाँ पे करने लग जाएं, लेकिन एक स्टेप तो आपको उठाना होगा, बिकॉज आपका एक छोटा छोटा स्टेप या हमारा ये छोटा छोटा स्टेप बहुत मदद करेगा इंडियन ब्रांड्स को ऊपर उठने में। मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि बहुत सारे ब्रांड्स जैसे ज़ेब्रोनिक्स या जितने भी बाकी इंडियन ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो कई बार प्रोडक्ट चाइना से किसी OEM से बनवाते हैं, इंडिया में ला के ठप्पा लगा के बेच देते हैं। लेकिन आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके कुछ पार्ट्स इंडिया के अंदर ही बने हैं। तो फटाफट से इस वीडियो के अंदर बिना किसी टाइम वेस्ट किए ज़ेब्रोनिक साउंड बॉम्ब के बारे में जानते हैं। ये बेसिकली ट्रूली वायरलेस ईयरफोन है जो कि आपको अंडर 1500 देखने को मिलेंगे। इस बार यह प्राइस मैंने पहले बता दी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं लुक्स एंड डिज़ाइन की बात करता हूँ, तो यहाँ पे कलर्स के अंदर भी काफ़ी अच्छे खासे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। एक डुअल टोन वाला कलर देखने को मिलेगा, मतलब बाहर से ब्लैक अंदर से लाल, बहुत ही प्यारा लगता है। और बाकी एक वाइट कलर, एक ब्लैक कलर और एक ब्लैक एंड रेड। और अगर मैं बात करता हूँ इसके डिज़ाइन की, तो यहाँ पे आपको काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, बहुत हल्का है, 50-55 ग्राम के आसपास का वेट है, जो इजी टू यूज़ है। वो कई बार अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं मेट्रो में, आपके पास कई बार जगह नहीं होती है, मतलब जस्ट यहीं से फंसाना पड़ता है इस पॉकेट के अंदर, तो आपके लिए काफ़ी हैंडी रहेगा। और यहाँ पे ये इन ईयर डिज़ाइन है, स्नग फिट ये रहेंगे। और आपको हाँ, इसके अंदर एक नॉइस कैंसिलेशन वाला फीचर मिसिंग है, लेकिन स्टिल एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इस पॉइंट पर आप इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बाकी अगर मैं बात करता हूँ बाकी चीज़ों की, तो यार मतलब आपको परफेक्ट फिट देखने को मिलेगी कानों के अंदर, और साउंड क्वालिटी भी आपको डिसेंट देखने को मिलेगी। यहाँ पर बेस बहुत तगड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा तगड़ा नहीं, ऐसा नहीं कि जो आपको हेडफोन के अंदर जो एक्सपीरियंस होता है वो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू पे ये आते हैं, काफ़ी अच्छा बेस और डिसेंट साउंड क्वालिटी, और स्टीरियो वाली साउंड क्वालिटी में भी आपको फ़र्क यहाँ पर महसूस होगा जब आप इनको यूज़ करेंगे तब। और बाकी अगर आप पूछते हैं कि यार इनको चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, तो यार 1 घंटे के अंदर ये आपका अप्रॉक्सीमेटली चार्ज हो जाएंगे, जो अगर मैं बात करता हूँ आपके बर्ड्स केस के साथ। और केस को चार्ज होने में अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.25 घंटे लगते हैं पूरा चार्ज होने में, जो कि यार मतलब ठीक ठाक है, आपका एक दिन ये आराम से चल जाएंगे अगर आप मॉडरेट से मीडियम अगर यूज़ करते हैं तो। बाकी दोस्तों, ये इतने कम कीमत पे आते हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर टच कंट्रोल्स दिए गए हैं, मतलब आप कॉल्स ले सकते हैं, म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हैं, कॉल को आंसर डिसकनेक्ट वगैरह वो बेसिक चीज़ें कर पाएंगे। इसके अलावा आपका जो डिजिटल असिस्टेंट है, जो एलेक्सा बहन जी हैं, उनको बुला सकते हैं। इनफैक्ट आप सीरी ताई को भी बुला सकते हैं, और ये बहुत कम स्मार्टफोन्स आई मीन ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स में है। और दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना। अगर काम पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक जरूर करें, और एक प्यारा सा कमेंट करना आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आया। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो, पास में जो बेल आइकन है वो डेफिनेटली प्रेस करना। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिलेंगे कुछ बहुत ही मस्त कमाल गैजेट्स के, वो जाके आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। इनफैक्ट ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स ही हो। तो यहाँ पर अगर मैं साउंड बॉम की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपको 6mm का ड्राइवर देखने को मिलेगा। और आप में से बहुत सारे बंदे कहेंगे कि यार आपको 1700-1800 में 10mm तक ड्राइवर देखने को मिलते हैं। मैं मानता हूँ कि ड्राइवर की साइज जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतना बेहतर होगा, लेकिन हर बार ये कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्टिमाइजेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। और बाकी साउंड की क्लैरिटी और बाकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे रोल प्ले करते हैं साउंड आपको कैसी सुनाई देगी। बाकी 6mm का ड्राइवर बुरा नहीं है, और प्राइस को कंसिडर करते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। बाकी अगर मैं बात करता हूँ बैटरी बैकअप की, तो आपको बड्स के अंदर आपको 3 से 4 घंटे का बैकअप देखने को मिलेगा। ब्रांड तो हालांकि क्लेम करता है 6 घंटे का, लेकिन प्रैक्टिकल यूजेज के अंदर आपको 5-5.5 घंटे ही मिल पाते हैं। अगर आप कॉल्स वगैरह कर रहे हैं रेगुलर, तो लगातार 3, 3.5 या मैक्सिमम 4.25 घंटे की कॉलिंग आप कर पाएंगे। और कंप्लीट केस के साथ आपको 18 घंटे का बैकअप देखने को मिलेगा, और साथ में टाइप सी देखने को मिलेगा। दूसरे यहाँ अगर आप बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से वर्जन्स मिलेंगे ब्लूटूथ के, तो यहाँ पे आपको HSP, HFP और AVRCP और A2DP वाले सपोर्ट देखने को मिलेगा। और इसके अलावा हम बात करते हैं कलर्स की एंड प्राइस की, यार ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, लेकिन स्टिल बात बनती है क्योंकि एक स्पेशल चीज़ है।
दोस्तों खास बात ये है कि अगर आप कंप्लीटली ब्लैक कलर लेते हैं तो वो पड़ेगा 1499 यानी 1500 रुपए के आसपास ये पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपकी इच्छा होती है कि आप अंदर से लाल और बाहर से काला लेना है तो उसके लिए आपको प्राइस पे करना पड़ेगा 1670। सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और मज़े की बात, आप 5 रुपये अगर और देते हैं तो आपको कंप्लीट वाइट वाला कलर देखने को मिलेगा। मतलब यार ये किस तरह की प्राइसिंग है, मतलब ब्रांड को 5 रुपये में क्या फ़र्क पड़ जाएगा यार। मतलब कुछ फ़र्क रखो, 50-100 रुपये का रखो, मतलब ये चीज़ मेरे समझ से बाहर है। पता नहीं क्या लॉजिक है, बहुत कम ब्रांड्स के अंदर एक्चुअली ऐसा देखने को मिलता है। दोस्तों यार अपने एक सब्सक्राइबर ने इसके ऊपर एक वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था कमेंट सेक्शन में, आप चाहते हैं कि आपकी किसी फेवरेट टॉपिक के ऊपर वीडियो बने तो डेफिनेटली मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी फेवरेट टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूं और आपका नाम भी वीडियो में हम फ्लैश करेंगे या शाउट आउट देंगे। बाकी अगर लास्टली अगर बात करता हूं माय ब्लंट एडवाइस की, तो इसके अंदर ओवरऑल अगर या होलिस्टिकली अगर देखा जाए, पहली बात तो आप चाइना को बॉयकॉट कर रहे हैं, बॉयकॉट चाइनीज। मैं मानता हूं कि इसके कुछ प्रोडक्ट्स अभी भी चाइना से बन के आ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपको धीरे धीरे सपोर्ट करना ही पड़ेगा अपने ब्रांड्स को अगर उनको ऊपर लाना है तो कोई बात नहीं। अगर आपको कोई दूसरे लेने हैं तो आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, काफ़ी सारे मैंने ब्लूटूथ ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स के ऊपर वीडियो बना रखी है, वायर्ड बेटर हैं या वायरलेस बेटर हैं, उनको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दो, पास में जो बेल आइकन उसको डेफिनेटली प्रेस करना अगर आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन चाहिए। और वीडियो नहीं पसंद आया तो अच्छी बात है, वीडियो को डिसलाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट करना आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आया। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और वीडियोज़ देख लीजिए। थैंक यू।